नेता काफिला गाड़ी बैनर पोस्टर से पूरा हरियाणा सज चुका है, लेकिन इस चुनाव में किसका काफिला चंडीगढ़ के विधानसभा तक जाएगा ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रंग जोरों शोरों से सभी दलों पर चढ़ चुका है। नेता काफिला गाड़ी बैनर पोस्टर से पूरा हरियाणा सज चुका है, लेकिन इस चुनाव में किसका काफिला चंडीगढ़ के विधानसभा तक जाएगा ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। बीते दो चुनाव की बात की जाए तो भाजपा को लोकसभा और विधानसभा दो चुनाव में बढ़त रही, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा से करारा झटका लगा। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था और 10 सीटें जीती, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की गाड़ी 5 पर आकर रुक गई। अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो हरियाणा के लगभग हर चुनाव में क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा था। कभी दशकों तक हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का हरियाणा की सत्ता पर कब्जा रहा था, लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का सफाया हो चुका है। ऐसे में लोगों का कहना है कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। रेवाड़ी शहर के कस्बे, गांव, गली, मोहल्ले हर जगह जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भाजपा इस बार सच में जमुना पार जाएगी या चंडीगढ़ में सरकार बनाएगी। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ हरिओम वीर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा में। रेवाड़ी विधानसभा हरियाणा का क्षेत्र और हरियाणा की विधानसभा, क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, जनता के मंसूबे क्या हैं और जो विधायक के दावेदार हैं, तमाम उम्मीदवार हैं, वो क्या दावे मंसूबे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता क्या मूड बनाकर बैठी है। तमाम चर्चाएं चुनावी चौपाल पर, किस्सा कुर्सी का क्या होने वाला है, तमाम बातचीत करेंगे। और आइए चलते हैं गांव, कस्बों, शहर में और जनता से बातचीत करते हैं। हरियाणा विधानसभा 2024 का बिगुल बजने के बाद से ही सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इसी क्रम में हम लगातार गांव गांव, शहर शहर का भ्रमण कर जनता के मन में क्या है उसको टटोल रहे हैं कि इस बार जनता के मन में क्या कुछ माहौल है और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। तमाम चर्चाएं जनता से रूबरू कराकर आपसे आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं मीरपुर गांव में और ये मीरपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जनता जनार्दन सरकार बनाना और बिगाड़ना दोनों जानती है, किसी की कुर्सी छीन भी सकती है और किसी को कुर्सी का सरताज बना भी सकती है। इसी मीरपुर के स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार रेवाड़ी विधानसभा का क्या कुछ माहौल है और हरियाणा सरकार और कुर्सी, किस्सा कुर्सी का क्या होने वाला है। आइए चर्चा करते हैं। दादा क्या नाम है? जस्सू राव। जस्सू राव जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। क्या चल रहा है, अच्छे में किसका अच्छा चल रहा है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। चौटाला जी का जी, चौटाला जी को क्यों देख रहे हैं? किसानों का सच्चा हितैषी है तो वो आल हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। जी चौटाला जी जी। बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं लोग, आम आदमी की करते हैं, आप चौटाला जी की कर रहे हैं, क्या लगता है? बीजेपी से उठा लो, कांग्रेस से उठा लो, रेवाड़ी का हाल बता देगा कि इन्होंने कितना विकास किया है। कोई विकास नहीं किया यहाँ पे, कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं। लोग कह रहे हैं कि सड़कें बना दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधार दी, रोजगार दे दिए, क्या मानते हैं? स्वास्थ्य विभाग की बात करते तो मेरे गांव में सीएससी मीरपुर में उनकी चल के आप दूरदर्शा हालत देखो, डॉक्टर रुक नहीं सकते वहाँ पे, बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार हो रही हो। कहीं ना कहीं विकल्प की बात कर रहे हैं आप, तो आम आदमी के कैंडिडेट भी हैं इस बार मैदान में, सतीश यादव, क्या कहेंगे उसको लेकर? सतीश यादव दबंग नेता एक जी, सतीश को लोगों ने बहुत मौका दिया जी, अब की बार सतीश बाजी लगा सकता है, पार लगा सकता है बीजेपी की फूट के कारण। सतीश यादव, सतीश यादव को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सतीश यादव में क्या संभावनाएं देखते हैं कि वो अच्छा नेतृत्व तो कर सकते हैं? सतीश यादव दबंग नेता है, उसका जैसे दबंग नेता कोई नहीं है, वो हर किसी की बात सुनता है और काम करता है। बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी लग रही है आपको? सारी नाराजगी भाई साहब, इनसे तो कोई राजी है ही नहीं, कोई भी कोई बात मुद्दा उठा के देख लो हर तरह फेल है ये। मतलब आपके मुताबिक दिल्ली वाला झाड़ू रेवाड़ी में चलेगा इस बार? पूरी तो नहीं गए, मैं तो अभय सिंह चौटाला को लाइक करता हूँ यहाँ से सिर्फ एक, अगर यार हरियाणा में कोई नेता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। जी जी, आप क्या कहेंगे दादा, किसकी बना रहे हैं सरकार?
सरकार तो जी कांग्रेस की, कांग्रेस की दादा कह रहे हैं चौटाला जी। अब वो भाई साहब का विचार, मेरा विचार ना मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, ना मिल। तो आपके विचारों से कौन होना चाहिए? देखो जी, कैप्टन अजय सिंह का लड़का चिरंजीव राव बनेगा, वही बनेंगे, बनेगा जी, सॉलिड ठोक के बनेगा। तो बीजेपी से क्या नाराजगी? ना बीजेपी से कोई नाराजगी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां नहीं मिली युवाओं को, और भाजपा में मिल गई है, क्या कहेंगे? देखो, नौकरी तो ना बीजेपी में से और ना कांग्रेस में, हमारे लिए तो सेना है जी, सुन लो रानी जी, बाकी सबके लिए है। और आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? देखो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़िया सरकार बना रही है जी, और शायद से इब भी हो सके से पार हो जाएगी, पार हो सकते हैं। हाँ जी, सतीश यादव दिल्ली में, दिल्ली में, पर अभी आप कह रहे हैं यहाँ यादव नहीं होगा, सतीश यादव नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी को पसंद करें ना करें, लेकिन व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं। हाँ, वैसे दबंग नेता है जी, हाँ, हर चीज में। कैसे दबंग, कैसे बताएं थोड़ा? भाई अपना वो मैं बलबूता पे जी, अच्छा नेता है, बढ़िया है, काम कर सकते हैं क्षेत्र के, काम भी कर सकते हैं। तो फिर मौका मिलना चाहिए, मौका उसको मिला था उस टाइम, वो रह गया। अब देखो दोबारा मौका तो ऊपर वाले के हाथ में है, देता है कि नहीं देता, जनता के हाथ में। वोट ये भी सतीश यादव को देगा, अब के बार भाई भी हमारा वोट सतीश यादव को देगा, वोट सतीश यादव को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। तो फिर बात तो किसी और की कर रहे हैं भाई, ये तो करते रहते देखो, ये तो चलेगी, तो चलेगी वोट सतीश, ये चलेगी भाई, मतलब सतीश यादव के पक्ष में है आप? नहीं, वो तो बनना तो कांग्रेस का है, पक्ष में किसी पक्ष में नहीं, लेकिन सतीश यादव को आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सतीश यादव बनना चाहिए? नहीं, बनना तो चाहिए, हमारे एक दो वोटा थे भाइयों की थे मेरी, एक एक मत विधानसभा या किसी भी चुनाव में एक एक मत महत्वपूर्ण होता है, और एक एक मत से पलड़ा पलट भी सकता है। अरे हो जाए, तो फिर क्या देखते हैं? देखो, सतीश यादव का पलड़ा भारी कर रहे हैं? देखो जी, वैसे कर रहे आप कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, पर वैसे बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, हाँ, बनेगा नहीं, लेकिन सपोर्ट में है, हाँ, सपोर्ट में। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? रामचंद्र यादव। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल? देखो जी, मैं तो इतना बता नहीं सकता जी, क्योंकि मैं इतना घूमता फिरता नहीं हूँ। फिर भी अपना मन तो होता है ना कि इस बार ये अपन क्षेत्र में जाते हैं, ये विकास कार्य के झूठे वादे किए, विकास नहीं हुए, वो तो आप देखते ही होंगे। वो तो आपके मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जो रिपोर्टर की तरफ से जी। दूसरा, मैं हूँ डिफेंस का जी, और हमारे जैसे भाई साहब प्रधान है, और ये मैं तो अभी रिटायर हुआ हूँ, और फिर उसके बाद आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर सियोल में धारोड़ा अमूल में मैं एसओ लगा हुआ जी, था जी, जी। उसके बाद अभी मतलब रिटायर हो चुके हैं। हाँ जी, कल हमारे दो रिटायर्ड अफसर से बात हुई, उन्होंने अपने खुल के निजी विचार रखे कि इस राजनीति में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नया हो सकता है, वो बातचीत रखी, आप भी रख सकते हैं। देखो जी, बातचीत तो ऐसा है जैसे हमारा परिवार में जैसे चलता है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव देश को समर्पित रहा है। नहीं, वो तो बात ठीक है, हम ऑल इंडिया घूमे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ से हम आपके सहमत हैं सर, लेकिन जैसे हमारा परिवार चलता आएगा उसके पीछे हमने जाना पड़ेगा। तो कौन हो सकता है? अभी भाई साहब ने कहा अभय चौटाला है, जैसे मान लो, और जैसे उनके मर्जी जैसे वो जैसे चला, सतीश यादव कह रहे हैं, ये भाई तो अपना अपना विचार होता है। आपका क्या लगता है? मैं तो अपने परिवार की तरफ से जाऊंगा ना, जैसे मेरा परिवार चाहेगा वैसे मैं चलता रहूंगा। चलिए, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, यहाँ की जनता ने ना कांग्रेस बीजेपी की जो टक्कर चल रही है देख रहे हैं, बट इस बार एक युवा नेता भी उठ रहा है, सन्नी यादव। सन्नी यादव का नाम भी चल रहा है। हाँ, मेरा थोड़ा सपोर्ट उसकी तरफ है, युवा है, साथ के हैं, तो कांग्रेस को भी कई सालों से देख लिया है, तो ठीक है, अपनी जगह दबाएंगे, सब कुछ है। बीजेपी को देख लिया, वो भी अपने बदलाव चाह रहे हैं, मतलब हाँ बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा अपनी तरफ से हम उम्मीद करेंगे सन्नी यादव, अगर कुछ सन्नी यादव निकल जाए तो बदलाव की तरफ जाए, तो सतीश यादव का नाम भी आता है। सतीश यादव जैसे भाई साहब ने कहा, दबंग ईमानदार बढ़िया नेता है जी, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां तक हम उसे देख रहे हैं। हमारे मन में इच्छा है वो आए जी, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा, मुझे लगता नहीं कि वो निकल पाएगा, बट ईमानदार नेता है, इन सबसे बढ़िया नेता है, तो मौका तो मिलना चाहिए फिर। हाँ, अच्छा, मौका मिलना चाहिए, पर अपने अपने विचार है, क्योंकि अब सन्नी यादव हमारे साथ यंग का है तो हम उनके साथ हैं, भाई साहब चौटाला जी के साथ हैं, तो वो सब अपना अपना है, अपना अपना है। क्या हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? कांग्रेस निकलेगी, कांग्रेस बना ले। चलिए, और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना मन है, और क्या मन में है वही जान रहे हैं। आइए दादा, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है यहाँ, टक्कर। हाँ जी, और मेरे विचार से कांग्रेस का ही यहाँ पे बोलबाला है, कांग्रेस का ही जोर होना चाहिए।
जोर होना चाहिए। विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ क्षेत्र के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो अब तक विकास के तौर पर गिनाए गए, बुनाए गए, लेकिन अब तक नहीं हुए? बिल्कुल, यहाँ पे पहला मुद्दा एक शिक्षा का भी है। जी, उधर देखिए, गांव सुनारिया के अंदर एक प्राथमिक स्कूल था जो बीजेपी सरकार के अंदर बंद हो चुका था। जी। दूसरा मुद्दा रोड का है। जी। मेरे हिसाब से 1947 से हमारा एक रास्ता है असदपुर से खटावली, जो आज तक हर सरकार आली, किसी भी सरकार ने उस रोड को आज तक नहीं उठाया, किसी ने नहीं बना के दिया। सभी मतलब अपने भाषणों के अंदर पब्लिक को ये दिलासा देते रहे। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उम्मीदवारी के पेश करने के बाद जनता के बीच जाते हैं तो लंबी फहरिस्त लेके जाते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे, जनता को लोग प्रलोभन देते हैं, मंसूबों पर खरा उतरने की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव निपटते हैं कहीं ना कहीं किस्सा कुर्सी का खत्म होता है और कुर्सी मिलते ही गायब हो जाते हैं, क्या यही कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब की जो ये सरकार थी 10 साल से जो जनता इस सरकार को झेल रही है, इसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ वादों की सरकार रही है। कोई मेरे हिसाब से कोई जो धरातल पे जो काम था जी, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का रोड का काम था जी, वो नहीं हो पाया, शिक्षा का काम नहीं हो पाया। क्षेत्र के लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद यहाँ काम नहीं हुए, किसको नाकाम मानते हैं? नहीं, कांग्रेस का भी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ यह बैक स्टेप रहा है इसके अंदर कि कांग्रेस ने भी कमजोरी, बिल्कुल उनको भी कमजोर रही, लेकिन वो भी अपना इसको कर नहीं पाई। उन्होंने एक रोड दिया था उस टाइम नेरपुर यूनिवर्सिटी से लेके धारुएड़ा, एक उन्होंने वो रोड स्वीकृति करी लेकिन नाम काम नहीं, वो बनाया जी, वो रोड बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उसकी एवज में एक जो रोड जो काफी टाइम से मुद्दा चल रहा था उसको छोड़ दिया, वो रह गया था, मुद्दा हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भटक गया। अब क्या लगता है कि आपने कहा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नाकाम रही, भाजपा भी नाकाम रही, अब विकल्प होगा या फिर वही चेहरे दोहराए जाएंगे? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस नाकाम रही थी इसलिए कांग्रेस 10 साल पीछे रही जी। लेकिन अब उम्मीद देख रही है पब्लिक की कांग्रेस दोबारा से आके जी। और जितने वादे किए जा रहे हैं और जो पहले किए गए थे उनको पूरा करने का। अब कुछ विकल्प में सन्नी यादव को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सतीश यादव को देख रहे हैं, क्या कहेंगे सतीश यादव को लेकर? देखिए, सतीश यादव जी ठीक है, वे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बाकी पब्लिक का मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे थोड़ा कम ही मन लग रहा है, कम मन लग रहा है। हाँ जी, चलिए, हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देख भाई, आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। क्या लग रहा है कौन होगा विधायक रेवाड़ी विधानसभा का? रेवाड़ी विधानसभा में तो मेरे को तो कुछ अभी लग नहीं रहा है इतना कुछ, लेकिन सतीश यादव जी बहुत ऊपर जाते दिख रहे हैं मेरे को। सतीश यादव दिख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं आप सतीश यादव को ऊपर जाता हूँ? सतीश यादव जी का एक तो मैं यहाँ डेली देख रहा हूँ, हर गांव में जाके डोर टू डोर वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चे और लगातार बुजुर्ग साथ हैं उनके, ठीक है। आम आप भी साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों, मैं तो कल भी मिला था सतीश यादव जी से अपने यहीं अड्डे पे जी, तो कल उनसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। मतलब ये जितनी भी टीम उनके साथ काम कर रही है बहुत अच्छे विचारों से काम कर रही है। लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि विकास के वादे, दावे, मंसूबे, और आप सतीश यादव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ओनली सतीश यादव जी, सतीश यादव जी ही रेवाड़ी के आने वाले विधायक। सतीश यादव को मान रहे हैं तो टक्कर किन में होने वाली है? टक्कर तो कांग्रेस पार्टी के साथ है सतीश यादव। बीजेपी कहाँ देखते हैं? बीजेपी तो नथिंग है, बीजेपी कुछ नहीं है जी, बीजेपी नहीं है जी, ओनली सतीश यादव और कांग्रेस की टक्कर है। संभावनाएं क्या देख रहे हैं सतीश यादव में? सतीश यादव जी 100% जीतेंगे जी हमारी। काम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए? सतीश यादव जी काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं करा सकता रेवाड़ी क्षेत्र में, आज तक काम नहीं हुआ। कह रहे हैं कि झाड़ू चलना नहीं हरियाणा, झाड़ू चलेगी हरियाणा में, अब की बार रेवाड़ी में झाड़ू ही चलेगी, झाड़ू ही चलेगी, बिल्कुल सफाया करेगी सबका, बिल्कुल झाड़ू से। 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएंगे? कम से कम भी नहीं तो 50 सीट पार है जी। 50 सीटें 90 में से? बिल्कुल, मतलब सरकार इनकी बन रही है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। चलिए, और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुगन सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं क्या देख रहा हूँ भाई, चुनाव आपके क्षेत्र का है, आप अनुभवी हैं, आपने कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, कई विधायक बनते बिगड़ते देखे हैं, क्या लगता है इस बार कौन होगा विधायक रेवाड़ी से जी? लक्ष्मण।
लक्ष्मण जी, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस से होंगे राव चिरंजीव, कुछ लोग कह रहे हैं सतीश यादव होंगे, कुछ चौटाला की भावना, बीजेपी मुर्दाबाद, क्या कहेंगे बोल रहा है बाबा, क्या कहेंगे दादा? तो बात सच्चाई है, बोलो ना सतीश यादव ना, सतीश ने कहा बाबा कैसी नहीं, कौन होगा विधायक? मारा हिसाब तो जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में क्या खासियत देखते हैं, क्यों उसको ऐसा देखते हैं कि विकास के तौर पर देख रहे हैं? काम करया खूब ही मोदी ने, जितना काम करया कहीं प्रधानमंत्री ना करया। दादा बता रहे हैं कोई सड़क नहीं बनी इस गांव की, सारी सड़क बन रही थी कि कौन कहे, क्या कहेंगे? असदपुर से खटावली वाला रोड 1947 से आज तक ऐसे ही पड़ा, दगड़ा का दगड़ा, वहाँ से आम आदमी लिकट भी नहीं सकता। क्या कहेंगे दादा, सड़क नहीं बनी? सड़क वह 47 में तो कच्ची थी कि कैठा तो बनेंगे, खटावली तक तो बहुत बढ़िया बन रही थे, यो रोड 47 में बने थे। मैं कह रहा हूँ 47 आजादी से, आजादी से आज तक देश आजाद, इनका कहना है देश आजाद होने के बाद आज तक वो सड़क नहीं बनी, सरकार बनने से पहले दावे मंसूबे होते हैं उम्मीदवारों के लेकिन नहीं बनी। सतीश यादव जी ना, सरकार एक गेट तक नहीं कर रही यूनिवर्सिटी का, इसके रोड की तरफ क्या कह रहे हैं आप? सतीश यादव जी आते ही अब की बार तुम्हारी सड़क बन जाएगी, ये कह रहे हैं सतीश यादव बनाएंगे। चलो जी अच्छी बात है भाई साहब, हम चाहेंगे कि भाई साहब उस पे थोड़ा विचार करवाएं अगर उनकी सरकार आती है तो। आप सपोर्ट करो भाई सतीश यादव को, आपका हर काम होगा, जो काम रुका है वो सब काम होगा। एक बार भाई से जाके बताना, हल्के से सुविचार से कानों में निकालना, आपका काम 100% होगा। बीजेपी का एक मुद्दा है सर मेरे पास, खट्टर ने तो नहीं करा काम, देखो भाई खट्टर क्या कहेंगे। बीजेपी सरकार ने अभी, बीजेपी से मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक योजना का प्रसार किया जी, ग्रामीण आवास योजना जी, ग्रामीण आवास योजना तो प्रधानमंत्री की भी है, सॉरी वो भी प्रधानमंत्री की भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना हाँ, तो वो योजना यहाँ पे लागू नहीं हो पाई सुनारिया और असदपुर पंचायत के अंदर। क्या कारण मानते हैं उसका? कारण ये है कि पंचायत ने ही लिखवा दिया कि भाई हम मतलब बीपीएल को प्लाट नहीं देंगे, उन्होंने वो तो कहीं ना कहीं सरपंच और ग्राम पंचायत की लापरवाही है। नहीं लापरवाही तो है लेकिन लापरवाही के अंदर ये भी तो है ना कि आगे आगे जो बैठे हुए अफसर वो भी तो ये देखे कि इन गांवों को क्यों नहीं दिया जाए, कांग्रेस के रहे सरपंच की भी लापरवाही के रहे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां सरपंच और दूसरे लोग उसी पार्टी से रिलेटेड हो तो उन्हीं का चलता है। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी ये दबंगता है कि वो मर्जी आए वहां जाके, और ऐसा किसी ने मुद्दा नहीं उठाया गांव का, ऐसा किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभान्वित होने चाहिए वो उनको पक्के मकान मिले, उसके लिए एप्लीकेशन और गांव दोनों गांवों के साइन और पंचों के साइन करवा के और सीएम विंडो वो मतलब लगी हुई है ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई देखो होती कि नहीं होती। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब से, अब की बार मौका दो सतीश यादव भाई को और फिर आप देखना काम आपका होता है नहीं होता है। दादा क्या कहेंगे, पक्के मकान नहीं मिले गांव में? कोई बात ना, कत्तम रह लेंगे और बोल, पर राज मोदी को रहना चाहिए, मोदी का रहेगा डंके की चोट। आप क्या कहेंगे, डंके की चोट मोदी का? देखो बाबा का अपना विचार है जी, हो सकता है कि उनको ये सही लग रहा हो जी, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि जब तक जो ऊपर से प्रधानमंत्री से जो कोई योजना भेजी जाती है उसको कुछ दबंग लोग अपनी पावर का गलत उपयोग करके और उन पंचायतों को एलिस्टेड करवा देते हैं, जिस कारण आम आदमी मतलब कि प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। कुछ नाकामी ग्राम पंचायत की भी है, कुछ विधायक की भी है। बिल्कुल नाकामी सबसे पहले तो पंचायत की है जी, फिर विधायक, लेकिन क्षेत्र का विधायक है। देखिए वे तो, उन्होंने तो मना नहीं किया, हमने उनके आगे बात रखी, राव चिरंजीव आगे बात रखी, तो उसके लिए जो साइन वगैरह करवा के हमने जो दिया है उन पे देखो कितना कार्रवाई होती। चलिए यहाँ पर हमने बात की, तो फिर राव चिरंजी राव ने काम क्यों नहीं करवाया? अगर आपने बात रखी राव चिरंजी राव के सामने तो राव चिरंजी राव यहाँ आए, आपकी सुनी, आपका ग्राम पंचायत सरपंच साहब ने कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी। अभी उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई होती है वो तो देखो, समय तो लेगा, कोई भी सिस्टम में जाएगा कुछ। हरियाणा विधानसभा 2024 का चुनाव बिगुल बजने के बाद से ही चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसी क्रम में हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुंचकर जनता के मन को टटोल रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है। आज हम रेवाड़ी विधानसभा के गांव
राजपुरा में मौजूद हैं, यहाँ के युवा साथी इस गांव के स्थानीय निवासी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है रेवाड़ी विधानसभा का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो त्रिकोणी मुकाबले की बात सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी इस बार दम दिखाएगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है, लगातार उनका कार्यकाल देखा, लेकिन अब हो सकता है बदलाव भी हो। लेकिन यहाँ के युवा और राजपुरा गांव की जनता क्या कहती है, आइए बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है रेवाड़ी विधानसभा का? क्या बताएं बाबू जी, इतना हम तो इंटरेस्ट भी नहीं रखते चुनाव में नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीति और युवा बड़ा कनेक्शन है सीधा तौर पे। लोग आज के दौर में रोजगार को तलाशते भटक रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारें दावा करती है कि हम अच्छे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज भी रोजगार की तलाश करते युवा भटकते दिख रहे हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर आज भटक रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या बोलूँ आपको, किसकी बन रही सरकार? देखो अभी हम तो देख रहे करीबन 10 सालों से तो बीजेपी राज कर रही है। अब हमारे यहाँ विधायक थे चिरंजीव राव जी, 5 साल से तो वो है, उन्होंने करके भी दिखाया काम काफी। क्या किया उन्होंने? देखो यहाँ हमारे 4-5 गांव के जो लड़के हैं उनको रोजगार मिला है और काफी इंडस्ट्रीज एरिया भी आ गया है इधर भी। तो ये राव चिरंजीव की वजह से आया? नहीं नहीं, कुछ उनकी वजह से भी, कुछ बाकी अदर पार्टी उनका भी है बीजेपी से। हाँ बिल्कुल। इस बार सतीश यादव आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं कि झाड़ू इस बार अच्छा विकास करेगी, समृद्धि करेगी, क्या लगता है? बाकी हमारे ये भाई साहब बता देंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? जॉनी। क्या लग रहा है जॉनी की क्या बनने वाला है, कौन बनने वाला है विधायक? देखिए जी, इस बार भी ये चिरंजीव राव का ही है। चिरंजीव राव जी और पार्टियां भी हैं मैदान में, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर यही है कि अपोजिट काम तो देखो चिरंजीव राव ने बहुत करवाया है। इससे पहले उनके पापा थे वो अजय कैप्टन यादव, उन्होंने भी बहुत काम कराया, लगभग 30-35 साल से राज कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पास आ जाइए, सबसे बातचीत करेंगे थोड़ी थोड़ी, और सबसे बातचीत होगी तो चुनावी रुझान क्या है आपका भी जान लेते हैं जी। इस बार भी लगभग वही है, क्योंकि इस टाइम मेरे गाँव में करीबन 7 से 8 लड़के लगे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, इससे पहले नहीं था यहाँ। भाजपा में लगे हो तो? जी। क्या? भाजपा सरकार में? जी जी। तो भाजपा सरकार अच्छी है? अभी रेवाड़ी में तो देखो जी अपना रेवाड़ी में डामाडोल है मामला, लेकिन सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? चिरंजीव राव की बनेगी। चिरंजीव राव विधायक बनेंगे, लेकिन सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? वो तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, तय है जी। आम आदमी पार्टी का झाड़ू? झाड़ू का तो अभी यहाँ तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। घर घर झाड़ू पहुँच पाएगा? नहीं, इस टाइम तो नहीं। चलिए, वो लोग हैं, क्या लगता है भैया रेवाड़ी विधानसभा क्या कह रही है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? हाँ। देख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है थोड़ा यहाँ पर। भाजपा के लक्ष्मण ये भी हैं इस मैदान में, चुनावी दंगल में अपनी बात कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का शासन होगा यहाँ के। इसके हिसाब से तो मेरे को कांग्रेस ही लग रही है, क्योंकि कांग्रेस में जैसे रैली वैली ये आसपास ज़्यादा लहर है उसकी। सतीश यादव कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बात हो रही है, कई जनता से बात की हमने कि इस बार भाजपा का शासन देखा, कांग्रेस का देखा, बदलाव चाहिए, क्या कहेंगे? मेरे को तो नहीं लगता है बदलाव आएगा। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, रोजगार की स्थितियाँ बेहतर हैं या और होनी चाहिए? रोजगार तो है ही, जो करना चाहता है उसके लिए तो है ही, जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए तो कहाँ रोजगार है। चलिए, वो लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई इधर बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देव देवेंद्र जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनावी? चुनाव का जी कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है जी। बाकी पार्टियों का खाता खुलेगा कि नहीं? मुश्किल है, खाता ही नहीं खुलेगा, नहीं खुले, लोग साथ ही नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस का ही लग रहा है हमारी तरफ से, यहाँ पे कांग्रेस वगैरह चिरंजीव गए थोड़ा ज्यादा चांस है इस पे। भाजपा को क्यों नाकाम मानते? भाजपा मोदी के बड़े बड़े दावे मंसूबे, 10 साल से शासन भाजपा ने किया, फिर आप कह रहे खाता नहीं खुलेगा?
तो यहाँ नहीं खुलेगा खाता, गुड़गांव गुड़गांव वगैरह में जी, जो लक्ष्मण यादव जी, हम तो उनका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, उनका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम तो। पहली बार सुन रहे हैं तो वोट नहीं मिलेगा उनको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोट उनको काफी मिलेगा, लेकिन हमने तो उनका नाम पहली बार ही सुना है। क्षेत्रीय को मिलता मौका तो हो सकता है संभावना बढ़ जाती है। देखो चिरंजीव राव को हम, देखो उसके पिताजी को भी काफी टाइम से, हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो सारे जानते हैं। जिसको मौका मिल गया, क्षेत्र में फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या लगता है बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, तो समय के देखो किसी को जानते ही नहीं हम, सतीश यादव को नहीं जानते। सतीश यादव जी पहले खड़े हुए थे करीबन आज से 10-12 साल पहले, जेजेपी की तरफ से आए थे, तभी उनसे वो गाँव में तभी मुलाकात हुई थी, बस उसके बाद। जानते तो है ना? हाँ, उनको तो क्या उनका लग रहा है जनाधार? देखो वो तो जी क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। चलिए, यहाँ के युवाओं से बातचीत की, जाना जनता के मन में क्या है, युवाओं के मन में क्या है, और यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या माहौल है। हरियाणा विधानसभा के बिगुल बजने के बाद से ही लगातार चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनावी समर में क्या होने जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं कि रेवाड़ी विधानसभा क्या कहती है। भैया क्या नाम है? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी बताइए क्या चल रहा है माहौल चुनाव का? अब सब क्या बताएं, जो आ रहा है वही अपने अपनी कह रहा है। अपनी अपनी तो सब कहते हैं, अपने अपने दावे होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कौन कर सकता है? क्योंकि आम आदमी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, और अन्य पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, निर्दलीय हैं, कौन लग रहा है कौन अच्छा हो काम कर पाएगा? अब देखो जिसकी सरकार बनेगी वो करके दिखाएगा। करके तो दिखाएगा, आप किसको चुनना चाहेंगे? हम किसको चुनेंगे? जो काम करेगा उसको चुनेंगे। कौन कर सकते? थोड़ी ना बता सकते हैं कि भाई, खैर आपका मत है, लेकिन फिर भी विकास के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? विकास का मुद्दे आप देख लो ना, आप गाँव की हालात देख लो, क्या स्वच्छता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या क्या बताए? टाइम से पावर नहीं आती, लाइट की बिजली की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पिछली बार मैंने 5,000 रुपये बिल भरा था, आपके बार 5,900 बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन बिजली कम आ रही है। बिल्कुल। और क्या समस्या है? और समस्या ये है कि हमारे गांव का जो स्कूल है ना, 5 तक है, ये बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, स्कूल की समस्या है। और भी बहुत समस्या है, आप क्या कहेंगे भाई? की एक तो सबसे भारी समस्या बिजली की, और पानी को कहीं निकाल ही ना गाँव में। अब बताओ कितनी सरकार आ ली, कितनी गई, किस पे भरोसा करा, किस पे ना, अपना दिमाग से बाहर हो रही है ये बात। ठीक है, हर बार जो ये सब उनको भी बुला लो, बात करेंगे, ये सब चीजें होती है चुनाव से पहले, भाई जो भी आवेगी भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पानी को निकाल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, जीतने के बाद अभी तक तो कोई निकाल हुआ ना है। अब देखो भगवान भरोसे ही अपने, कौन होना चाहिए विधायक? क्योंकि सतीश यादव आम आदमी से है, लक्ष्मण भाजपा से है, राव चिरंजीव कांग्रेस से है। इतनी यह चीज बढ़िया बता देगा, यहाँ चौपाट में बैठक घड़ाई आदमी, वहाँ चल वो अपना बड़ा बुजुर्ग है, जहाँ स्टेट अलग है, स्टेट अलग है। आप महिला है, क्या कहेंगी, क्या समस्या है इस गाँव में? समस्या तो जी काफी है अभी तो। हाँ, क्या क्या है? सबसे पहली बात तो लाइट की प्रॉब्लम। ठीक है, लाइट की कितनी कंप्लेंट कर लो, कितनी फोन कर लो, फोन नहीं उठाई, अगर खराब भी हो गया, अभी हमारी 1 सप्ताह तक लाइन कटी हुई है, बड़ी मुश्किल से जैक लगा लगा के जब टंकी टिकवाई थी। अच्छा, हाँ, और लाइट की है, पानी की है, भाई और क्या हम है? तो उसी को वोट देंगे जी, हमको जो इंसान बनता दिखेगा और जो करेगा। तो कौन करेगा आप देखो, लग रहे हैं जान पूछ, आम आदमी का कैंडिडेट भी इस बार है, कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे। देखो अभी तो लोग बाग भाजपा की कह रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात हो रही है, केजरीवाल की पार्टी वाला जो है सतीश यादव वो कह रहा है कि मुफ्त बिजली देंगे। नहीं जी, कोई मुफ्त को नहीं, 8,000 का बिल आया रखा है, अब वो होंगे तब देंगे ना। ना जी, कोई नहीं करे तो ऐसा नहीं लगता सतीश यादव बनने चाहिए विधायक जी? ऐसा तो हो रहा है गाँव के अंदर, सतीश यादव को पसंद कर रहे हैं लोग, काफी आते हैं सब। तो क्या लगता है सतीश यादव होने चाहिए विधायक? होना चाहिए जी, हम तो नुकसान जो अच्छा इंसान बने, अच्छा गांव के लिए सुधार करे, ऐसा इंसान बनो। दादा कौन बन रहा है विधायक? मैं तो वही हूँ, जहाँ बोल रहे मैं तो वही है, ये तो कंपनी के सदस्य वहीं से जुड़ रहे हैं और हम भी वही है। और ये जो बीजेपी और कांग्रेस का क्या देखते हैं? देखो जी अभी सरकार क्या करती है। चलिए, यहाँ पर आम जनता से चर्चा की, अपना अपना मन बताया, क्या है रुझान। आप कैमरा पर्सन शुभम यादव के साथ हरिओम वीर।
आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी। धन्यवाद।